फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूं फिर से शिक्षा मनोविज्ञान। इससे पहले हमने मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ लिया था कि किस प्रकार मनोविज्ञान ने अपने आप को आत्मा के विज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग किया और वर्तमान में आत्मा के विज्ञान से लेकर वर्तमान तक किस प्रकार उन्हें हम अब व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। और व्यवहार का विज्ञान का ये प्रतिपादन जो है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वॉटसन द्वारा किया गया। आइए आज हम मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में देखेंगे कि किन किन मनोविज्ञानी ने मनोविज्ञान की कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। आइए शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले वॉटसन थे, लेकिन व्यवहार शब्द जो है सबसे पहले मैकडूगल द्वारा दिया गया। तो मैकडूगल जो है वो मनोविज्ञान की परिभाषा क्या देते हैं। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान जो है वो आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार जो है मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। दोस्तों, ध्यान रखना, याद करने का तरीका क्या रहेगा, यदि परिभाषा में आपको यथार्थ दिखता है तो वो क्या होगी भाई, मैकडूगल की परिभाषा होगी। या दूसरे तरीके से अपन क्या कह सकते हैं, मैकडूगल, मैक मतलब बनना या बनाना, डू मतलब करना, गल मतलब बातें, इस तरीके से बातें करना, बातों से इस प्रकार से व्यवहार प्रकट करना या आचरण करना जिसके कारण आपकी एक अच्छी छवि बन जाए, ठीक है ना, वही मैकडूगल की क्या है परिभाषा। आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है। तो यथार्थ से आप याद रखना कि यथार्थ किसकी परिभाषा में है, मैकडूगल की। मैकडूगल ने इसके अलावा एक और परिभाषा दी, वो क्या थी देखे आइए दोस्तों। मैकडूगल कहता है कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं का विधायक विज्ञान, जीवित वस्तुओं का विधायक विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, जीवित वस्तुओं ले ले या जीवित प्राणी ले ले, ठीक है ना। तो जीवित वस्तुओं या जीवित प्राणियों का विधायक विज्ञान किसने कहा है, मैकडूगल द्वारा कहा गया है। दोस्तों, अगर विधायक विज्ञान की जगह पर बात कर लें व्यवहार का विज्ञान, विधायक विज्ञान की जगह व्यवहार का विज्ञान है, जीवित वस्तुओं या प्राणियों का, या जीवित वस्तुओं प्राणियों के व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा, तो आंसर हो जाएगा जिम्बार्डू। क्या हो जाएगा आंसर, जिम्बार्डू, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो मैकडूगल ने दो परिभाषा दी, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान को, जीवित वस्तुओं का विधायक विज्ञान किसे कहते हैं। आइए दोस्तों, अभी बात करते हैं पिल्सबरी, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना, जिसने कहने का ये सर्वप्रथम प्रयास किया कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो इसके अनुसार मनोविज्ञान क्या है, देखो पिल्सबरी ने कहा, मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा मानव के व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। तो संतोषजनक परिभाषा जो है वो किसने दी, पिल्सबरी ने, किसके रूप में की जा सकती है, मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। ये किसके द्वारा कहा गया, पिल्सबरी के द्वारा। और तीसरा आता है वॉटसन, चूंकि सबसे पहला विशुद्ध रूप में उसने कहा, तो वॉटसन के अनुसार क्या है मनोविज्ञान, व्यवहार का निश्चित विज्ञान। क्या है, और निश्चित की जगह दोस्तों शुद्ध भी आ जाए या विशुद्ध भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, वॉटसन। तो निश्चित या शुद्ध या विशुद्ध विज्ञान किसने कहा है, वॉटसन ने। वॉटसन, वॉट यानी क्या, सन यानी पुत्र। क्या पुत्र, आज तुम मेरा काम निश्चित तौर पर कर दोगे, तो निश्चित। वॉट यानी क्या, सन यानी पुत्र,
क्या पुत्र आज तुम मेरा काम निश्चित तौर पर कर दो। तो निश्चित शब्द आ गया तो ये किसकी परिभाषा है, वॉटसन की परिभाषा। ध्यान रखना दोस्तों, लेकिन अगर ये सभी शब्द हट जाए, केवल आ जाए कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, तो आंसर हो जाएगा कॉल्सेनिक। क्या हो जाएगा, कॉल्सेनिक। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चौथी परिभाषा अपन देखते हैं। वुडवर्थ, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ये भी इनके अनुसार इन्होंने सबसे पहले बहुत अच्छी एक परिभाषा दी, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी गई है। वुडवर्थ ने कहा कि मनुष्य ने पहले आत्मा को खोया, मन को भुलाया, चित्त को ध्यान में लाया और व्यवहार को अपनाया। पहले क्या खोई, आत्मा खोई, फिर किसको भुलाया, मन को भुलाया, फिर किसको ध्यान में लाया, चित्त को ध्यान में लाया और अपनाया किसको, व्यवहार को। ये किसने कहा, वुडवर्थ ने, ठीक है ना। और दूसरी एक और परिभाषा दी, वो क्या थी, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है ना। तो वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है ना। तो वुडवर्थ, ठीक है ना, वुडवर्थ ने दो कौन कौन सी परिभाषा दी, आत्मा को खोया, आत्मा खोई, फिर मन बुलाया, फिर चित्त ध्यान में लाया, व्यवहार अपनाया और वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, वो क्या है, मनोविज्ञान है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। स्किनर कहता है मनोविज्ञान जो है वो अनुभव और व्यवहार का विज्ञान, क्या है, अनुभव व व्यवहार का विज्ञान है दोस्तों। स्किनर, ये भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, स्किन हमारी जो त्वचा है, स्किन, स्किन हमेशा जब स्किन कोई चीज अनुभव करती है उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार होता है, उसके अकॉर्डिंग वो त्वचा जो है व्यवहार करती है, ठीक है ना। जैसे एक थप्पड़ मारी तो लाल लाल हो जाता, ठीक, इसी प्रकार से जिस प्रकार से स्किन अनुभव करेगी वैसा ही व्यवहार करेगी, और उसे क्या कहा गया, स्किनर ने, मनोविज्ञान कहा है। तो मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, ये दोस्तों ध्यान रखना। और आचरण और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था, अनुभव हटाकर आचरण आ जाएगा तो मैकडूगल, क्या हो जाएगा, मैकडूगल। उसके बाद आती है क्रो, क्रो या क्रो के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, क्रो या क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है, ठीक है ना दोस्तों। मनोविज्ञान क्या कहते हैं, क्रो के अनुसार, क्रो कहते हैं कि मानव व्यवहार व मानव संबंधों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, मनोविज्ञान। देखना दोस्तों, यहाँ क्रो है, क्रो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इसमें दो मानव, क्या आ गए, दो मानव, इन दोनों के बीच जो व्यवहार का आदान प्रदान होगा वही इनके बीच क्या स्थापित करेगा, अच्छे संबंध स्थापित करेगा। तो इसी का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है, ठीक है दोस्तों। आज हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे, कल इससे आगे और कुछ परिभाषाएं देखेंगे। धन्यवाद।